करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जिला अध्यक्षों की बैठक लेंगे। गुरुवार को विधायकों की बैठक होगी, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी की बैठक लेंगे। प्रभारी मंत्रियों को ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार के बिल के विरोध को गांव गांव ले जाने की तैयारी की जा रही है। सीएम भूपेश बघेल जिला अध्यक्षों की बैठक लेने वाले हैं और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता सुप्रिया पांडे रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। सुप्रिया, अब हर एक किसान तक और गांव गांव तक इस बिल को लेकर ज्यादा जानकारी पहुंचाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है और किस तरह से हर एक किसान को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार ने जो कृषि बिल लागू किया है उसको लेकर के जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन भी जारी है। प्रदेश में बिहार में भी कांग्रेस ने कल प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम समेत प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए, जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने उनकी मांग है कि यदि ये कानून लागू होता है तो प्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था चौपट हो जाएगी, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है लगातार विरोध हो रहा है, कोऑपरेटिव भी ध्वस्त हो जाएगा ऐसा राज्य सरकार जो है वो मानती है। इस वजह से लगातार विरोध हो रहा है, किसानों को अपने पक्ष में करना चाहती है सरकार, इसलिए लगातार जो है उनसे उन्हें इस मामले को लेकर के जो है पूरा इस कानून की प्रक्रिया बताई जाएगी, इसका प्रोसेस बताया जाएगा, उसके बाद इसके लिए किसानों को विरोध करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। राज्य सरकार इसमें 10 या 14 अक्टूबर को जो है किसान सम्मेलन के आयोजन होगा और इस दौरान जो है भूपेश सरकार किसानों से हस्ताक्षर अभियान भी चलाएगी और किसान हस्ताक्षर के माध्यम से फिर इस कानून का विरोध करने का समर्थन भी देंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कल मंत्रियों की बैठक भी हुई है, जिस वजह से इस कानून जो कृषि विरोधी माफ कीजिएगा जो कृषि कानून लागू किया गया है उसे लेकर के यहाँ पर नई रणनीति बनाई जा रही है, ताकि छत्तीसगढ़ में एक नया कानून भी बनाया जा सके। और यदि ये कानून जो है वो शीतकालीन सत्र से पहले लागू किया जाता है तो भूपेश सरकार जो है वो विशेष सत्र भी बुला सकती है और इस दौरान रणनीति भी बनाई जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर कृषि कानून जो है वो छत्तीसगढ़ में बनाया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार कृषि कानून को लेकर कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। और अगर बात करें पंजाब की तो वहां पर मंत्री ने इस्तीफा तक दे दिया है, तो क्या लगता है अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो किसानों का कितना समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कल जो है प्रदेश कांग्रेस ने राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कर जो है प्रदर्शन किया और कल जो है वो विशेष अभियान भी चलाएगी, तो इसी तरीके से लगातार उनका प्रदर्शन जारी है। और 10 अक्टूबर को किसान सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है और इस सम्मेलन के दौरान प्रदेश के समस्त किसानों से हस्ताक्षर भी लिया जाएगा, गाँव गाँव जाकर भी प्रचार करने की जो बात है वो भी सामने आ रही है कि सभी जिला अध्यक्षों की बैठक आज मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। जिला अध्यक्षों को ये निर्देश दिया जाएगा कि जो कृषि कानून जो बन चुका है उसे लेकर के हम जो किसानों के बीच ये जिला अध्यक्ष जाएंगे और किसानों के बीच जाकर ये कानून के जो मायने हैं वो समझाएंगे कि इसे लागू करना किस तरह से जरूरी है या फिर इसके क्या नुकसान है, क्या इसके फायदे है, वो तमाम बातें जो है वो किसानों को समझाया जाएगा। क्योंकि किसान जो है वो एक तरफ से इस कानून को ज्यादातर छत्तीसगढ़ के एरिया जो है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इस वजह से किसान जो है वो इस कानून के बारे में ज्यादातर जानते नहीं है, तो इसे जानकारी देने के लिए भी जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिला अध्यक्षों की बैठक लेंगे और बैठक के बाद रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो इस कानून को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए और किसानों से हस्ताक्षर भी कराया जाए, तो इस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है और लगातार बैठकों का दौर जो है वो छत्तीसगढ़ में भी जारी रहने वाला है। और 10 अक्टूबर को किसानों से हस्ताक्षर भी कराने की तैयारी भूपेश सरकार कर रही है, किसानों को इसका जो कृषि बिल है उसको लेकर के जानकारी दी जाएगी, उसे फायदे उसके नुकसान के बारे में बताया जाएगा, इसका विरोध क्यों हो रहा है वो किसानों को अवगत कराया जाएगा, तो तमाम ये बातें हैं वो किसानों से कही जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि किसान इस बिल में के विरोध में कितना हस्ताक्षर करते हैं और किस किसान बिल्कुल शुक्रिया आपका और वक्त हो